हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। चलिए फ्रेंड, देखिए अब मोमेंटम की बात करते हैं हम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? देखिए ये आपने पहले पढ़ चुके हो, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं अभी एक बार और। मोमेंटम क्या होता है? देखिए कि मोमेंटम जो है दी अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी इज डिनोटेड बाय दी क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। इसका अर्थात, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आप क्या समझ रहे हो इससे? क्या मतलब, क्या आप इसका मीनिंग निकालोगे? कि देखिए कि जो किसी बॉडी में द अमाउंट ऑफ मोशन इज ए इन ए बॉडी इज डिनोटेड बाय द क्वांटिटी। किसी बॉडी में, मान लीजिए कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मोशन करना है, तो मोशन कर रहा है तो वो कितनी क्वांटिटी में, कितनी अमाउंट क्वांटिटी में, मतलब कितनी क्वांटिटी में वो मोशन कर रहा है, कितनी गति कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? मोमेंटम कहेंगे। मोमेंटम का जो यदि हिंदी में, हिंदी वर्ड यदि मैं यूज करूं तो क्या कहेंगे? संवेग। ठीक है, इसको देखिए द क्वांटिटी, इसको यदि छोटे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में यदि लिखे हम, तो इसको क्या बोलेंगे? द क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी। मान लीजिए किसी किसी बॉडी में, किसी भी बॉडी में, मतलब किसका अमाउंट मेजर करना, मोशन का, गति का अमाउंट मेजर करना क्या है एक्चुअल में? क्या कहलाता है? समय कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, मोमेंटम जो है, यदि देखिए जो, एक मिनट, मोमेंटम की बात करें, ठीक है, अब देखिए कि आपने देखा होगा बचपन में, आपने खेल देखो खेलते हुए, कि जब टेनिस टेबल की कोई गेंद है, यहां पर कोई टेनिस टेबल की गेंद है, टेनिस टेबल की, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति, टेनिस टेबल की व्यक्ति है जो खेल रहा है, ठीक है, टेबिस टेनल खेल रहा है। अब मान लीजिए उस टेबिस टेनिस की जो गेंद है, जो बॉल है, उस बॉल से जो जो बॉल है वो क्या गलती से लग गई दूसरे खिलाड़ी को, ठीक है, तो उसमें उस टेबिस टेनिस का जो टेबल टेनिस जो है उसकी बॉल का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। अब यदि मैं बात करूँ कि जो वही व्यक्ति, दो पर्सन जो वहाँ पे खेल रहे थे टेबल टेनिस, वही अब क्रिकेट जाके खेलने लग गए, ठीक है। अब क्रिकेट जो खेल रहे हैं, तो अब जो क्रिकेट की जो बॉल है, कंपेरिजन, किसके कंपेरिजन में, टेबिस टेनिस की जो गेंद थी, बॉल थी, उसके कंपेरिजन में जो क्रिकेट की जो गेंद है उसका जो मास है वो ज़्यादा है, ठीक है। अब वो दोनों खेल रहे हैं, बॉलिंग कराई बॉलर ने, तो बॉल कराई, तो बॉल करने पर क्या है ना, जो बैट्समैन था उसको क्या हुई, गलती से वो बॉल लग गई बॉडी पे। तो अब इंजरी यदि हम दोनों का कंपैरिजन देखें, कि दोनों का कंपैरिजन में यदि हम बताऊं, मैं आपसे बोलूं कि दोनों के क्रिकेट का खिलाड़ी और एक टेबिस टेनिस का खिलाड़ी, दोनों में से कौन ज़्यादा इंजर्ड हुआ, इस चीज़ का कैसे पता करेंगे? तो भाई टेबिस टेनिस का जो खिलाड़ी है वो कम इंजर्ड होता है, और जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो ज़्यादा इंजर्ड होता है, जबकि उतने ही वेग, उतनी ही वेलोसिटी से उसको बॉल हिट करी थी टेबिस टेनिस के खिलाड़ी को, और उतनी ही वेलोसिटी से क्रिकेट के खिलाड़ी को हिट की थी। तो इसका रीज़न क्या है? ठीक है, कि इसका रीज़न ये है कि देखिए, जैसे मास बढ़ता है, जैसे किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है यदि वो इंक्रीज होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। एक बात तो, ठीक है, जो मोमेंटम है वो, यदि उसका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटी यदि उसकी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अर्थात मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। पी क्या है? मोमेंटम, और पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहां से इसका मोमेंटम जो है, मोमेंटम की बात करें, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, अब पी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एम इनटू वी। यदि मोमेंटम के जो यूनिट की बात करें, तो मोमेंटम की जो यूनिट है वो क्या होती है, केजी पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, कितनी होती है, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है, मोमेंटम की यूनिट आपको पता चल गई, ठीक है। अब देखिए,
अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसी पे डिपेंड एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए तो मान लीजिए कि जहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए ऑब्जेक्ट है ठीक है, और ये मान लीजिए इधर मूव कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, यहां पर आया, इधर से एक ऑब्जेक्ट था यहां पर बी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं इसको, ये ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ठीक है, ये बी ऑब्जेक्ट ठीक है। तो अब ये दोनों इनका जो मास, जो एफ फोर्स लग रहा है, देखिए अब ये इनका मास, इसकी यदि मैं बात करूं, ये किसका मास एम ए है ठीक है, इसका मास एम बी मास का ये ऑब्जेक्ट है ठीक है। अब एम ए मास का जो ऑब्जेक्ट है वो किसके डायरेक्शन में, एम बी मास के ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, और एम बी मास का जो ऑब्जेक्ट है वो एम ए की तरफ मूव कर रहा है। अब इनकी जो डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो गई, अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो ये एक पॉइंट पर आकर क्या हो गए, कोलाइड हो गए, यहां पर इन दोनों में क्या हो गया, कोलिजन हो गया, कोलाइड हो गए ये अब ये कोलाइड हो गए। देखिए अब इसमें इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो एम बी जो ऑब्जेक्ट था वो एम ए पर फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगाएगा, एम बी फोर्स लगा रहा है, एम ए जो है ऑब्जेक्ट वो एम बी पर फोर्स लगा रहा है, एफ ए फोर्स लगा रहा है। तो अब ये दोनों कोलाइड हुए ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ठीक है। तो देखिए मान लीजिए इसकी जो वेलोसिटी है यू ए वेलोसिटी है ठीक है, ये क्या है, जब इसका कॉलिजन नहीं हुआ ठीक है, और वी ए यू बी वी बी ठीक है। अब यू ए क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं आपको, यहां पर कंफ्यूजन होगा, यू ए बी फॉर कॉलिजन इसकी क्या है, वेलोसिटी, किस ऑब्जेक्ट की, ए ऑब्जेक्ट की ठीक है। अब यू वी ए क्या है, यहां पर वी ए है जो है आफ्टर आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी है ठीक है, यू ए इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट ए यू बी एक मिनट रुकिए मैं ऊपर खिसका लेता हूं इसको, यू बी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट बी वी ए
फाइनल वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट ए वी बी फाइनल वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, देखिए यू ए क्या है, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी किसकी, जब कोलिजन नहीं हुआ उससे पहले की वेलोसिटी है किस ऑब्जेक्ट की, ए ऑब्जेक्ट की, एम ए मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट की। ठीक है, वी ए जो वेलोसिटी है वो आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी क्या है, वी ए। तो यू ए मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है यू ए, यहां से प्रोग्रेशन ने मोशन करना प्रारंभ किया, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए की इनिशियल वेलोसिटी। यू बी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी इधर से आ रहा है। अब ये दोनों टकरा गए, टकराने के बाद में ये दोनों कोलाइड हो गए, अब कोलाइड होने के बाद में इनकी वेलोसिटी होगी, और तो वो वेलोसिटी कौन सी है, वी ए फाइनल वेलोसिटी। ये क्या की है, कोलिजन होने के पश्चात। ठीक है, अब वी बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए यहां तक जल्दी से। चलिए, तो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए, और ये कब की कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन बिफोर कोलिजन, बिफोर का मास कितना है, एम ए मास है, वेलोसिटी क्या है, यू ए है, यू ए वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इसका जो वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम कितना हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू, पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए यू ए। ठीक है, बी ऑब्जेक्ट पर देखते हैं, बी बी ऑब्जेक्ट पर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम देख रहे हैं, तो बी ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू एम बी वी बी, सॉरी यहां पे यू भी आएगा। ठीक है, यू भी, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम, फाइनल फॉर ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट ए, क्या होगा? पी ए इज इक्वल टू एम ए वी ए, ठीक है। ये कब का है? ये कंडीशन कब की है? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ये कब था? बिफोर कोलिजन, आफ्टर, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए की बात हो गई, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बी की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट बी पर, ऑब्जेक्ट बी पर मोमेंटम कितना होगा? पी बी इज इक्वल टू एम बी वी बी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ठीक है। तो देखिए, एम ए वी ए माइनस यू ए, ये क्या हो गया? बिफोर कोलिजन का एम बी वी बी माइनस वी बी माइनस यू बी, ये क्या हो गया? आफ्टर, आफ्टर कॉलिजन हो गया, ठीक है। इतना चेंज इन दोनों में क्या आ रहा है? ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से देखते हैं, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए, तो एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी पी बाई डी टी, ठीक है। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ए इज इक्वल टू एम ए वी ए माइनस वी बी, सॉरी यू ए अपॉन अपॉन टी, एफ ए की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी?
एफ बी इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू थर्ड अकॉर्डिंग टू थर्ड लो देखिए, ठीक है, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी। अब ये कैसे आया देखिए, ये दो ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट थे। अब ये ऑब्जेक्ट जो ए था, ए ऑब्जेक्ट किस पर फोर्स लगा रहा है, बी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, और बी ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट किस पर फोर्स लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, ए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो थर्ड लॉ मैंने आपको बताया था, वो डिटेल में बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो देखिए, फॉर एवरी एक्शन फॉर एवरी एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ यही होता है हमारा। ठीक है, तो देख चलिए एक बार यहां तक नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, यहां पे देखिए, एम ए वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस यू बी डिवाइडेड बाई टी। टी से क्या हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन एम ए VA माइनस UA इज इक्वल टू MB VB माइनस UB। ठीक है, देखिए दिख रहा है क्या आपको, ये नहीं दिख रहा, देखिए एम ए एम ए देखिए, अभी इनको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ठीक है, तो एम ए वी ए माइनस एम ए
यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ठीक है, सॉरी ये माइनस एम बी का मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा यहां पर, ठीक है। तो देखिए देखिए एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी, सॉरी प्लस, देखो एम बी की बी बी जो वी वाले मतलब फाइनल वेलोसिटी है उसको एक साइड में ले लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी है उसको एक साइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये हमारी ये क्या आया हमारे पास फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। और ये क्या है, जस्ट वन सेकेंड लिखिए, रुकिए देख इसको यहाँ पे नहीं लिखते, एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये किस, एक मिनट देखिए फाइनल मोमेंटम मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू है किसके, इनिशियल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम के है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम क्या है, दोनों इक्वल आए हैं, ठीक है। और ये कब की कंडीशन है, देखिए आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, और ये कब का था, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि आफ्टर यदि दो बॉडी आपस में यदि कोलाइड भी कर जाएं, दो बॉडी आपस में टकरा भी जाएं, दो बॉडी आपस में टकरा जाएं तो भी उनका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्या कहता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए ये इसका था लास्ट, अभी एक लाइन और मैं कुछ लिखा रहा हूँ, इसको नोट, पहले इसको नोट डाउन करिए आप, एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, ओके लिख लिया होगा शायद, चलिए देखिए the total total momentum
ऑफ दिस सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम रिमेन्स इधर लिख लेते हैं रिमेन्स अनचेंज्ड और अनचेंज्ड और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। एक लाइन और लिख लीजिए फिर मैं दोनों को साथ में समझा दूंगा। दी टोटल द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम एंड दिस कॉल एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ठीक है। अब देखिए ये इनके कहने का मतलब ये है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या आपको, देखना एक बार। देखिए कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो होता है वो रिमेन्स अनचेंज, उस जो टोटल मोमेंटम जितना है उसका उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और कंजर्व, और वो कंजर्व भी रहता है मतलब रिजर्व रहता है, प्रोवाइड ऑन अदर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, जब तक कि उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल बाह्य बल उस पर ना एक्ट हो जाए तब तक उसका टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है और अनचेंज रहता है। ये कहने का मतलब, इससे जो बारास्ट की जो डेरिवेशन कराई थी, जो ये हमारा आया था निकल के MAVA MBV + MBVV = MAUA + MBVV, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, अर्थात दो कारें यदि आपस में टकरा जाएं, अर्थात कोलाइड हो जाएं दोनों, मान लीजिए दो कार हैं कोई, दोनों कार आपस में टकरा जाएं कोलाइड हो जाएं, तो उनका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इसका कहने का मतलब यह है। ठीक है, समझ गए।
सेकेंड लाइन देखिए, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए मैं सिस्टम मान लेता हूँ, इसको भी एक सिस्टम मान सकता हूँ, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो रिमेन सेम रहता है, ठीक है। एंड दिस कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मतलब है कि कोई सिस्टम मान लिया मैंने कि उसका जो मान लीजिए ये सिस्टम है, ये सिस्टम मैंने मान लिया, इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो यदि चेंज नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। यदि उसका चेंज हो गया तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इसको शो करता है, ठीक है। तो ये समझ में आई होगी बात, एक बार पूरा नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लिया होगा आपने आई थिंक, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने इसको वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लिया होगा इसको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।